क्षेत्र जो है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, दलित बहुल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ऐसा ऐसा देखने को मिला है जो बंद का ऐलान किया गया था, जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी उनके द्वारा मुस्लिम और दलित क्षेत्रों के अंदर खासा ये प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का, और उन लोगों ने बखूबी अपनी दुकानों को बंद किया है। मैं राशिद कुरैशी, प्राइवेट न्यूज़ के लिए आगरा से। इस बाज़ार को तिकोनिया बाज़ार कहा जाता है, जामा मस्जिद के नियरेस्ट है ये बाज़ार, और यहाँ भी बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तमाम जो दुकानें हैं, हर तरीके की दुकानें हैं यहाँ, यहाँ बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं कि बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। मैं अपने सहयोगी से ये कहना चाहूँगा कि वो कैमरे को इधर दिखाएं। क्या मांग किया आज हमने? 300 रुपये मांगों को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ, मुस्लिम आर्मी, सुरक्षा मिशन परिषद, सब लोगों ने, दलित और मुस्लिम समाज ने एक होकर 300 रुपये मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। तबरेज अंसारी के हत्यारों को फांसी हो, अविलंब उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए, और जो मोबिलिंग की आए दिन घटना मुसलमान और दलितों के साथ हो रही हैं, मुस्लिमों को गोश्त के नाम पर, कभी किसी के नाम पर जो उनकी आए दिन हत्याएं की जा रही हैं, पीटा जा रहा है, उसके खिलाफ संसद में एक अविलंब कानून पास हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर अब कोई मोबिलिंग की घटनाएं हुई तो मुसलमान सड़कों पे होगा, अपनी टीम बनाकर हिंदू संगठनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हाँ, पूरा भारत बंद है, मैं समझता हूँ कि काफी सफल है ये। मैंने सभी शहरों में कांटेक्ट किया, सभी जगहों पर बंद को सफल बताया गया। हिंदुस्तान सरकार चल नहीं रही है, यहाँ न्याय और अन्याय हो रहा है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। क्या मुसलमानों ने आजादी में उनकी भागीदारी नहीं थी? क्या उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी थी? ये किस तरह की सरकार है? ये राम और रावण की लड़ाई है। जो लोग इस तरह की मोबिलाइजिंग कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, वो रावण के वंशज है, वो यकीनन राम के वंशज नहीं हो सकते। न्याय और अन्याय की लड़ाई में न्याय की जीत होनी चाहिए, ये राम की धरती है। यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जितने हिंदू उनके हैं उतने मुसलमान भी उनके, उनको भी महफूज रखना चाहिए, उनकी हिफाजतों की, उनकी मस्जिदों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनके बच्चों की हिफाजतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। निवेदन और फिर धनादन, जो मिल जाए उसको मारो। इस तरह की भाषाओं पे अभद्र टिप्पणियों पर लगाम लगनी चाहिए। आज किस विषय में आपने डीएम साहब के यहाँ मुलाकात की है? मैं चौधरी परान, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मुस्लिम महासंघ। झारखंड में जिस तरीके से तबरेज अंसारी को कुछ लोगों ने, भगवाधारियों ने घेर कर जो मारा है मोब लिंचिंग के तहत, आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम आगरा जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। 3 सूत्रीय ज्ञापन में हमने मांग करी है कि तबरेज अंसारी के आश्रितों को 1 करोड़ अविलंब मुआवजा दिया जाए। नंबर 2, उनके परिवार से किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। नंबर 3, संसद भवन और राज्यसभा के अंदर एक कानून पास कराकर मोब लिंचिंग को बिल्कुल बैन किया जाए। हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की घटनाओं से हिंदुस्तान के अंदर अवशेष फैल रहा है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार सी पैदा हो रही है, लेकिन कुछ हिंदू समाज के अंदर ही असामाजिक तत्व इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन हर हिंदू समाज एक तरीके का नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश मुस्लिम महासंघ को, भीम आर्मी, मिशन एकता परिषद और भीम सेना, वो भी तो हिंदू हैं, उन्होंने भी तो हमें समर्थन दिया है, लेकिन हिंदू समाज के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को, इस घटना को बड़ी बुरी निगाह से देख रहे हैं और नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश मुस्लिम महासंघ जिंदाबाद।